मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 16 नवंबर 2018 और अभी तक मैंने समय हो रहा है पहले देख लीजिए 2:56। अभी तक मैंने इंट्राडे का लाइव ट्रेड नहीं डाला है। एक्चुअली मैं थोड़ा निकल गया था 9:30-10 बजे के आसपास। अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, अपलोड हो जाएगा ठीक है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दोस्तों एक पोजिशनल कॉल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बेहतरीन स्टॉक मुझे मिल गया, बेहतर जगह पे मिल गया, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये पोजिशनल स्टॉक होगा मेरा ठीक है, जिस तरह से मैंने टाइटन को दिया था, जिस तरह से गोदरेज इंडस्ट्रीज को दिया था, उसी तरह से ये मेरा इस बार एस्कॉर्ट्स इंडस्ट्रीज को दे रहा हूँ ठीक है, एस्कॉर्ट्स इंडस्ट्री एस्कॉर्ट इंडिया को ठीक है, एस्कॉर्ट इंडिया लिमिटेड को, ये है मेरा पोजिशनल कॉल। उसके पहले दोस्तों लेवल बताने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये 200 DMA का मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया एस्कॉर्ट इंडिया में, और इसका वीकली चार्ट है ठीक है, तो वीकली चार्ट है और इसका जरा मैं पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। अभी स्टॉक चल रहा है 661.65 रुपया पे ठीक है। अगर डेली चार्ट पे आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर डेली चार्ट पे ठीक है, अगर डेली चार्ट पे इसको ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये इसका पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ आ गया ठीक है, ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। तो इस वजह से ये स्टॉक पे नज़र पड़ गई मेरी, तो मैंने इससे सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। अब इस फ्लैग पैटर्न तो हो गया ये डेली चार्ट पे, अब जरा वीकली चार्ट पे भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं ठीक है। वीकली चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि क्या निकल के आ रहा है, टारगेट क्या आता है, पोजिशन क्या आएगा, स्टॉप लॉस। अब जरा हम लोग वीकली चार्ट पे अगर देखें तो अब देखिए वीकली चार्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैं डेली चार्ट वाला से पहले हटा देता हूँ सारा पैटर्न ठीक है। तो डेली चार्ट पे ये देखिए एक नीचे से भी ये फ्लैग पैटर्न बनाया था, बियरिश फ्लैग पैटर्न ठीक है, ये नीचे से वीकली चार्ट पे बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और इसका ब्रेकआउट अगर जब देगा, इसका ब्रेकआउट जब भी देगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा। ये तो अलग बात है, ये वीकली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है और डेली चार्ट पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, यानी दोनों तरफ से ये फ्लैग पैटर्न ही बना रहा है, ये देख लिया आपने वीकली चार्ट है ठीक है। अब जरा इसका डेली चार्ट हम लोग देखते हैं फिर से, है ना, देखिए डेली चार्ट पे अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये डेली चार्ट पे जैसा आया तो देखिए पूरा लंबा फ्लैग पैटर्न है, बियरिश फ्लैग पैटर्न है ये, और अगर इसके इस फ्लैग पैटर्न के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ देखिए अब यहाँ से एक पोल खड़ा कर दिया ठीक है, और यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न यहाँ से इसने बनाया। मैं इस पैटर्न का कलर बदल देता हूँ, इस फ्लैग का मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको, डेली वाला का कलर बदल देता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए। ये डेली वाला का मैं रेड कैंडल कर दे रहा हूँ ठीक है, रेड कैंडल कर देने से समझ, ये डेली का हो गया, डेली पे बुलिश फ्लैग पैटर्न और वीकली पे बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो हमारा इसमें पोजीशन क्या बनेगा दोस्तों, पोजीशन बनेगा जब ये 680 के ऊपर क्लोज करेगा ठीक है, जब ये 680 के ऊपर क्लोज कर देगा दोस्तों तो आप इसको लेके जाइए, बिल्कुल लेके जाइए। लेकिन ये मेरी आप लोगों को सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको इसमें नहीं है ठीक है। आप अपने रिसर्च एनालिसिस खुद भी कर लीजिए, एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए तभी ट्रेड कीजिएगा, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ इस स्टॉक में। तो जब ये 680 के ऊपर क्लोज करेगा, जिस दिन भी क्लोज करे, जरूरी नहीं कि आज ही, आज तो 3:15 तक मैं, अभी ये वीडियो अपलोड होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, तो ये मुझे जानकारी नहीं है कि हो सकता है आधा घंटा लग जाए अपलोड होने में तब आप लोगों को पता चले। तो ये जब भी क्लोज करे 680 के ऊपर ठीक है, जब भी 680 के ऊपर क्लोज करे आप इसमें बिल्कुल पोजिशन बनाइए, आप इसको पोजिशन बनाइए, इसको होल्ड करके लेके जाइए, डिलीवरी लेके जाइए, उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाइए 660 रुपए का ठीक है। कितना का स्टॉप लॉस लगेगा, 660 रुपए का उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगेगा। अब पहला टारगेट आएगा दोस्तों 700 रुपए का ठीक है, पहला टारगेट कितना आएगा 700 रुपए का याद रखिएगा, और दूसरा टारगेट कितना आएगा दोस्तों, दूसरा टारगेट आएगा 720 रुपए का, पहला 700 का, दूसरा टारगेट आएगा 720 का, तीसरा टारगेट आएगा 750 का याद रखिएगा। अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न जो डेली चार्ट पे बना रहा है, डेली चार्ट पे जो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है 680 के ऊपर ये क्लोज कर देता है जिस दिन भी एस्कॉर्ट इंडिया, तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं, आगे इसको लेके जा सकते हैं, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाइएगा 660 रुपए का।
और पहला टारगेट आएगा दोस्तों निकल के इसका 700 रुपये का, दूसरा टारगेट आएगा 720 रुपये का, और तीसरा टारगेट आएगा 750 रुपये का, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखने से जो है याद रहेगा। कब खरीदना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कब खरीदना है, जब ये 680 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। यहाँ क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है ना, जिस दिन भी 680 के ऊपर ये क्लोज करेगा तब आप इसको होल्ड करके लेके जाइए। ठीक है, ये आज करे, कल करे, परसों करे, मंडे करे, ट्यूजडे करे, जब भी है ना, तभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आ जाओ, मॉडिफाई हो जाओ। बाय हियर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाय हियर। ठीक है, बाय हियर कहाँ, जब सिक्स एबव, बाय हियर, बाय एबव 680, 680 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज करे आप इसको बिल्कुल पोजीशन बना के लेके जाइए, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाइएगा दोस्तों 660 रुपये का। कितने का लगेगा, 660 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 660 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस 660। ठीक है, और पहला टारगेट जो आएगा, मैं टारगेट का भी लाइन लगा देता हूँ, पहला टारगेट आएगा 700 का यहाँ पे, ये आ गया टारगेट लेवल, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस हो गया और ये आ गया टारगेट लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आएगा, फर्स्ट टारगेट 700, सेकेंड टारगेट 720 का, तो मैं लिख देता हूँ वहाँ भी 720 का दूसरा टारगेट होगा, 720 का दूसरा टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 720 का, और जो थर्ड टारगेट आएगा वो 750 का आएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर स्टॉक फर्स्ट टारगेट के पास भी आ जाता है तो कम से कम आप अपना 50 टू 70% क्वांटिटी को जरूर प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए, और बाकी का आप स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं ना लास्ट में वो हमेशा लॉस बुक करते हैं, याद रखिएगा। जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो हमेशा लॉस बुक करते हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जब पहला टारगेट के पास भी स्टॉक आ जाए तो तुरंत से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए जिस दिन भी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्कॉट इंडिया को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ पोजिशनल कॉल ये बता दिया, क्योंकि वीकली चार्ट पे बियरिश फ्लैग पैटर्न और डेली चार्ट पे बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देता है यानी क्लोजिंग करता है 680 के ऊपर, तो आपको बाय करके लेके जाना है। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाएंगे 660 रुपये का, पहला टारगेट आएगा 700 रुपये का, दूसरा टारगेट आएगा 720 का, तीसरा टारगेट 750 का रहेगा। तो ये दोस्तों मेरा स्कॉट इंडिया में पोजिशनल कॉल था, जिस दिन भी स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करे। अब तो आज फ्राइडे है, आज तो बंद ही हो जाएगा, कल सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, जिस दिन भी ये क्लोज करे 680 के ऊपर आप इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आएगा, पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इंट्राडे लाइव ट्रेड का वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, वो अपलोड हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पर मैंने स्ट्रेट करके दिखाया है। मेरे एक व्यूवर के कहने पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो मैंने करके दिखाया, आप वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,